वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। आई नो जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, क्या है यार ये क्या है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब समझो। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए यूनिटी और एकता। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, पुराने टाइम में जो भी एक देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करता था तो जिस देश पे कब्जा करता था उसको कॉलोनी कहा जाता था। तो इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की। मजा आ गया। अब भाई जो ब्रिटिशर्स लोग थे ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग ये चाहते थे ये आपस में लड़ते भिड़ते रहे, इनमें हिंदू मुस्लिम होता रहे, जात पात होता रहे, भेदभाव, और उसका मजा जो खीर है वो हम खाएंगे, मजा रहे। तो यानी कि ये लोग डिवाइड एंड रूल चाहते थे। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्यों साबित हुई, क्योंकि जो लड़ने भिड़ने वाले लोग थे जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे वो अब एकजुट हो गए। उन्होंने कहा इनको तो अपना मुद्दा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एकजुट हो जाए। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहां देखो इस बात को मैं ऐसा समझा रहा हूं, जैसे आपके घर में मच्छर आ जाए। अब मच्छर भाई साहब बार बार काट रहे काट रहे काट रहे, तो क्या मच्छरों को अच्छा थोड़ी लगेगा, तुम काला हिट ले आओगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काला हिट लगे तो क्यों ये मर जाएंगे, इनको जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि भैया ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग इन लोगों के अंदर क्यों आ रही है, क्यों ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में अब हम लिख देंगे, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। मजा आ गया, पूरा क्वेश्चन से उठा दिया। देखो चिल्ड्रन याद रखना, सोशल साइंस के अंदर हमको थोड़ा सा भरना होता है, जो बच्चा भरने में एक्सपर्ट है उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो पूरा यहां से उठाया मैंने, और भैया ये रीजन थे, क्या रीजन थे। नंबर 1, ब्रिटिशर्स फंडा वॉज डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स का फंडा क्या था कि भैया इनमें दरार डाल दो और रूल करो। बट नाउ इंडियन पीपल केम इन यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन इंडियन लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब अब हमको ना यूनिटी में आना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, दो देयर वर कंफ्लिक्ट्स रिलीजन वाइज। हालांकि ऐसा नहीं था कि भारत में के लोगों में कंफ्लिक्ट्स नहीं थे, हिंदू मुस्लिम या अदर उसको लेके थे, बट द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन केम टूगेदर एंड ज्वाइंट द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग साथ में आए और इनकी बैंड बजा दी भाई साहब। मजा आ गया हो तो चिल्ड्रन वीडियो को लाइक दे देना यार एक, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब तुम मजा देखो, एक एक क्वेश्चन तो मैं अभी समझा दूंगा। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा इंडिया को कैसे हुआ नेशनल मूवमेंट में। अब इस बात को रटेंगे नहीं, समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले कंट्री देखो, इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जर्मनी है, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इसमें कहीं इंडिया है? तुम कहोगे सर कहीं नहीं है इंडिया। तो अब ये बताओ, तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई हो रही है, क्या उसका असर तुम पे पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। अब भाई साहब जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था तो ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे जवानों को जबरदस्ती लड़ाई में भेज रहे थे, तो गलत काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब जब भी वॉर होगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसकी वजह से हमारे लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, बताओ गलत बात है कि नहीं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो बढ़ा दी, मतलब उनकी कॉस्ट और बढ़ा दी, हमारा क्रॉप फेलियर हो गया। अब भाई साहब तुम हमारे साथ इतना गलत करोगे तो हम गुस्सा तो हमें आएगा ही। तो यही रीजन है कि लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए कि अब उन्होंने एंटी मूवमेंट शुरू कर दिया कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। इसी बात को अब हमको लिखना है। इंडिया हैड नथिंग टू डू विद वर्ल्ड वॉर। मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया, देखो इंडिया वर्ल्ड वॉर वन का हिस्सा था ही नहीं, हमारी कोई लड़ाई ही नहीं थी, है ना, हम तो अपना मस्त रहने वाले थे। येट द ब्रिटिशर्स वर फोर्सफुली रिक्रूटिंग इंडियन पीपल टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर वन। फिर भी ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट कर रहे थे, तुम जाओ और वर्ल्ड वॉर वन में हमारी तरफ से लड़ो, हाँ तुम्हारे नौकर लग रहे हैं। नॉट ओनली दिस बट टैक्सेस वर इंक्रीज्ड। न केवल ये किया, टैक्स बढ़ा दिया भाई साहब, फूड की भी शॉर्टेज हो गई। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया वर एंग्री एंड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
अब तो भाई साहब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और एकजुट हो गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। देयरफॉर इसलिए हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट। अब देखो ये वाली पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why Indians were outraged with the Rowlatt Act? अब outrage का मतलब होता है गुस्सा, लोगों में गुस्सा क्यों था Rowlatt Act को लेके। अब भाई साहब हुआ ये कि अंग्रेज जब भारत आए तो भारत वालों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए जगह जगह, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत छोड़ो। अब अंग्रेजों ने जो एक सिस्टम बना रखा था, या आप इंडिया में भी अगर कोई सिस्टम देखो, अगर कोई मान के चलो इस आदमी पे इल्जाम लगाता है कि तूने भाई चोरी करी है, तो क्या सरकार इसे डायरेक्ट जेल में डाल देगी? अरे भैया पहले मुकदमा भी कोई चीज होती है, पहले अदालत भी बैठेगी, केस भी लड़ा जाएगा, तब अगर वो अगर उसने मतलब उसने चोरी की है तो उसको जेल भेजा जाएगा, अगर नहीं की तो भैया नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट निकाल दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा ना उस पर कोई चार्जशीट बनेगी ना कोर्ट कचहरी का, सीधे भाई साहब उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो गलत है। तो इसी बात के विरोध के लिए देखो, एज पर द रोलेट एक्ट Any Indian taking part in political rallies against the Britishers. Rowlatt Act ये था, अगर कोई भी Indian political rallies में participate करेगा Britishers के खिलाफ, will be sent in jail for up to 2 years. 2 साल के लिए भाई साहब उसको जेल कर दिया जाएगा without any court trial, और कोई court वोट कुछ trial नहीं होगा। Therefore, Indians were outraged by the Rowlatt Act. बस इसी बात का गुस्सा था। चिल्ड्रन अगर मजा आ रहा हो मेरे भाई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे बता देना सर पहली बार सोशल साइंस इजी लग रही है सर, मजा आ रहा है। चलिए, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था उससे अपने हाथ क्यों पीछे खींच लिए गांधी जी ने? अब भैया गांधी जी जो थे वो ये सोचते थे कि हर काम प्यार से हो जाएगा, नॉन वायलेंस से हो जाएगा, अंग्रेज तो ऐसे ही चले जाएंगे। और लेकिन जब उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, तो उस टाइम पे भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि उन्होंने चौरी चौरा में एक जो थाना था जो पुलिस वाले थे उसमें ही आग लगा दी और बहुत सारे लोग मर गए। तो इस वाली बात से गांधी जी खफा हो गए, उन्होंने कही कि यार मैं एक तरफ बात कर रहा हूँ नॉन वायलेंस की, लड़ाई झगड़ा ना हो खून खराबा ना हो, और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो उन्होंने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाहर कर लिया। गांधी जी वॉज अ फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के फॉलोअर थे। बट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीपल सेट फायर वन पुलिस स्टेशन, लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, एंड मैनी पुलिसमैन डाइड, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। एज अ रिजल्ट गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने कहा भाई साहब अब मैं नहीं कर सकता, तुम तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। वॉट इज मेंट बाई द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है? भाई गांधी जी ये कहते थे कि सत्य की राह पे चलो, ट्रुथ को पकड़े रखो। और गांधी जी एक बात कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो भाई साहब कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने क्या नाम है टिक नहीं सकता, और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो और नॉन वायलेंस के। उसने कहा जो तुम्हारा जो दुश्मन है वो प्यार से ही जो हार जाएगा। तो देखो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ एंड होल्डिंग द ट्रुथ, इसका मतलब है सच्चाई के रास्ते पर चलना और सच को पकड़ के रहना। एक और बात है इसमें जो ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी आर राइट, अगर हम सच हैं सही हैं और सच्चे रास्ते पे हैं, वी डू नॉट नीड टू बी वायलेंट, हमको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट आवर एनिमीज, हमारे एनिमीज से हमारे दुश्मनों से। वी कैन विन द बैटल विदाउट वॉर थ्रू नॉन वायलेंस, हम वॉर को जीत सकते हैं बिना किसी लड़ाई के। चिल्ड्रन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी कह रहे हैं, कभी आप कहो कि आप कैसा कह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और तुमको मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो भाई प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना। आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। राइट अ न्यूज रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था उस पर लिखना है। अब भाई साहब जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जनरल डायर ने ये मैसेज दे रखा था कि भाई साहब कोई भी रैली नहीं करेगा। उसी टाइम पे सिखों का जो बैसाखी त्योहार आता वो भी है, तो बहुत सारे गांव वाले त्योहार मनाने के लिए आए हुए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। जनरल डायर को इतना गुस्सा आया, इनने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और इन पे गोली चलवा दी भाई साहब, और निहत्ते लोगों को मरवा दिए। अब इसी बात को अपने वर्ड्स पे लिख देंगे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड वॉज गैदर्ड इन जलियांवाला बाग, में बहुत सारे लोग आए थे जैसे आपको यहाँ दिख रहे।
सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कुछ लोग तो इनके विरोध में आए थे कि इनके ब्रिटिशर्स के कि भैया तुम अंग्रेज भारत छोड़ो, वाइल सम केम टू एंजॉय बैसाखी फेयर, हालांकि कुछ तो बेचारे बस फेयर में पार्टिसिपेट मेले में आए थे, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, और जो लोग दूर दूर से गांवों से आए थे बेचारे उनको तो ये भी नहीं पता था कि कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है कि वहां पे आना नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं आना, इकट्ठे नहीं होना, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप फेसबुक और ये सब तो थे नहीं कि मैसेज तुरंत चला जाए। डायर एंटर्ड द एरिया, तभी वहां पे डायर आ जाता है, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जितने भी भागने वाले रास्ते थे सारे वो बंद करवा दिए और उसने ओपन फायर चलवा दी जिससे हमारे सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या था? अब भाई साहब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत पे रूल करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रखे जाएंगे। अब उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स रखे, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब। अब जब रूल तुम कहीं पे करने के लिए बना रहे हो, अब तुमको क्लास के, तुम क्लास टीचर हो तो मॉनिटर तो उसी क्लास का बनेगा ना। अब भैया मॉनिटर कोई तुम बाहर का थोड़ी बना दोगे, क्लास नाइन्थ और हम इलेवंथ वाले को मॉनिटर बनाएंगे क्यों भाई? नाइन्थ के क्लास के क्लास टीचर हो तो नाइन्थ के ही बच्चे को मॉनिटर बनाओ ना। तो अब इसमें खराब बात क्या थी कि सारे लोग ब्रिटिशर्स थे, मतलब अंग्रेज थे, एक भी इंडियन नहीं था, इसी बात का गुस्सा था और इसी बात के लिए जब साइमन कमीशन भारत आया उससे कही भाई तू बाहर का रास्ता देख। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ टीम ऑफ मेंबर्स टू लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक मेंबर्स की टीम बनाई जिसका काम था कि भैया इंडिया की गवर्नमेंट को देखेगा, ठीक है। बट देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन, लेकिन जब लोगों ने देखा भाई इसमें तो भारत का तो कोई भी आदमी नहीं है। As a result, when the Simon Commission arrived in India, जब Simon Commission भारत आया in 1920, they were greeted with the slogan "Go back." और भारत वालों ने कहा भैया तू निकल ले, पतले रास्ते से निकल ले, Simon, go back. Next question: Compare the images of भारत माता in this chapter with the image of Germania in chapter one. आपने Germania मैंने पढ़ाया भी हुआ है, दोनों को compare करना है। भाई पहला कंपैरिजन हो गया, जर्मेनिया बिलोंग करती है जर्मन को, भारत माता बिलोंग करती है इंडिया को, भारत को। मजा आ जाए तो मेरे दोस्त लाइक दे देना। पहला पॉइंट, जर्मेनिया बिलोंग्स टू जर्मन एंड भारत माता बिलोंग्स टू इंडिया। वाह सर वाह, कमाल कर दिया, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, चाहे जर्मेनिया हो चाहे भारत माता हो, ये सिंबल्स या ये इमेजेस इसलिए यूज की गई ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए प्यार आए। ये ले भाई, द इमेज ऑफ जर्मेनिया एंड भारत माता बोथ वर यूज टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। वाह मजा आ गया। तीसरा देखो, जो जर्मेनिया है इनको थोड़ा गुस्से में दिखाया गया है, इनके हाथ में तलवार दिखाई गई है, लेकिन भारत माता को एकदम काम शांत दिखाया गया है, ठीक है। और यहां देखो, भारत माता इज शोन एज काम, बिल्कुल काम और शांत दिखाया गया है, एंड स्पिरिचुअल लेडी। While Germania is shown in anger, Germania को थोड़ा सा गुस्से में दिखाया गया है, with sword in hand, और उनके हाथ में तलवार दिखाई है। मजा आ जाए तो दोस्तों लाइक दे देना, सब्सक्राइब दे देना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। The man responsible for जलियांवाला बाग incident, जलियांवाला बाग के लिए कौन responsible है? Dyer, Napoleon, Camillo या नहीं? I hope मेरी ये छोटी सी explanation आपको अच्छी लगी होगी। इस question का आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।